लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, क्योंकि यहां पर अब आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारने को तैयार है। जीत की बाजी खेलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्हें फटकार लग रही है किसी से। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में सत्ता पाने के सपने देख रहे हैं। हरियाणा में सत्ता का सुख भोगने का सपना पूरा करने के लिए केजरीवाल ने कमर भी कस ली है। अपने धरनों की राजनीति से जाने जाने वाले केजरीवाल हरियाणा के लोगों के दिल में उतरने के लिए हरियाणवी भाषा में फोन संदेश के जरिए लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। 58 सेकंड के संदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेर रहे हैं। हरियाणा के हर शहर कस्बे और गांव तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए बैठे हैं। संदेश भेजने का काम भी शुरू हो चुका है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सत्ता पर काबिज होता देख रहे केजरीवाल हरियाणा की जनता को बेहतर प्रदेश का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी ये राजनीति प्रदेश सरकार को रास नहीं आ रही। पहले सीएम ने केजरीवाल को दिल्ली संभालने की नसीहत दी थी और अब प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उन्हें प्रदेश की जनता को भ्रमित न करने की सलाह दे रहे हैं। कैप्टन के मुताबिक शुद्ध राजनीति के लिए केजरीवाल का स्वागत है। वो राजनीतिक तौर तरीके से अपनी बात कहें, सामाजिक मर्यादा से अपनी बात कहें, हमारे अतिथियों का स्वागत है, हमारे गांव के चौपाल में परंपरा से एकदम विपक्षी विरोधी भी आता है, उसकी बात को हम सुनते हैं और उनका स्वागत है। वह अपनी सरकारी पद का दुरुपयोग राजनीति के लिए ना करें, वह एक राजनीतिक व्यक्ति कार्यकर्ता के नाते से वो आए, स्वागत है। केजरीवाल एक तरफ मनोहर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, वहीं कैप्टन अभिमन्यु केजरीवाल को घेरते हुए पद का दुरुपयोग कर प्रदेश का माहौल खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। अभिमन्यु तो प्रदेश के पानी के मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल भी पूछ रहे हैं। उनके मुताबिक हरियाणा आने से पहले पंजाब में हरियाणा के पानी पर दिए गए बयानों पर केजरीवाल को अपना रुख साफ करना चाहिए। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे केजरीवाल की कोशिश को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही वो केजरीवाल को चेता भी रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि को खराब करने की कोशिश की तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हरियाणा में आए तो एक बात का जवाब जरूर देते, जब वो पंजाब में गए थे तो उन्होंने कहा था कि एसओएल का पानी पर पंजाब का हक है, इस बात का स्पष्टीकरण दे दें कि एसओएल के पानी के बारे में उनकी क्या राय है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। दूसरा, अगर तुलना ही करना चाहते हैं सरकारों के कार्य की, हरियाणा में लगभग 25 लाख लोगों को हम हर महीने 2000 रुपये वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग सम्मान पेंशन देते हैं, वो कृपया करके बताएं क्या दिल्ली में वो देते हैं। जानकारों के मुताबिक फोन संदेश में केजरीवाल अपने कामकाज तो गिना ही रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा में सभी पार्टियों में सीएम बनने के लिए जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। वो ये बताने से भी नहीं चूकते कि किस तरह उन्होंने मनोहर लाल को दिल्ली आकर स्कूल अस्पताल देखने को कहा, लेकिन वो डर गए। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूल और अस्पतालों में दिल्ली सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया है। खैर, केजरीवाल भले ही ये बात कह रहे हो, लेकिन सीएम ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद विज की नाराजगी भी सामने आई थी। खैर, केजरीवाल ने भी हरियाणा की एंट्री के लिए पूरा मूड बना ही लिया है, तो जीत के लिए दक्षिण हरियाणा को ही उन्होंने भी लॉन्च पैड के तौर पर चुना है। तभी तो वो दक्षिण हरियाणा के विभिन्न जिलों में सभाएं करेंगे। 24 नवंबर को गुरुग्राम, 2 दिसंबर को फरीदाबाद और 3 दिसंबर को नारनौल में सभा की तैयारी है। प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए केजरीवाल भी जीत के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।